शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा में गुलाब पार्क मार्केट लगी हुई है रोड के किनारे ही, और इससे जो है ऑटो रिक्शा वालों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खरीदारी करने के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑटो रिक्शा यूनियन के तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर दादागिरी भी की जा रही है, पैसेंजर उतारने नहीं दिया जा रहा है। और हालांकि इनका यह कहना है कि वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। सिर्फ थाने पुलिस के तरफ से जो है एक मंच लगाकर वहाँ पर छोड़ दिया गया है, और किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना ही वार्डन है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक यूनियन के कई लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अंसारी, मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष। दरअसल ऐसा है कि जब से मुंब्रा प्रभाग समिति में एक रमजान के एक दिन अव्वल मुंब्रा प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में DCP साहब ने एक आदेश दिए, लोगों को समझाए कि रिक्शा वालों को वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और किस्मत कॉलोनी, शरीफा रोड और तनवर नगर तक कि इनको रिक्शा का डिवाइडर है ना बना के, रिक्शे का कुछ स्टैंड का बना के दे दो। ये मुंब्रा प्रभाग समिति के सागर सालूम के हिसाब से ये किए, उसके बाद वो जो भी आगे उन्होंने वो काम नहीं करे, मगर उसके बाद जो रिक्शा की ट्रैफिक वगैरह जाम हुई, तो जाम होने के बाद जो रिक्शा वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो इस तरह। अभी क्या हो रहा है, आप लोगों ने फिर लेटर दिया है ट्रैफिक पुलिस को, तो क्या मांगनी उसमें की आप लोगों? हमारी मांगनी यही है कि ये जो रोड के ऊपर इन लोगों ने जो ट्रैफिक जाम जो रिक्शा वाले के ऊपर जो उंगलियाँ उठाए, मैं ये बोलता हूँ कि क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो DCP साहब ने जो पीले पट्टे के अंदर रहने का बोले थे, वो धीरे धीरे करके वहाँ पर रस्सियाँ बनने लग गए, बेफजूल के स्टेट वगैरह लग गए हैं, और उसके बाद जब रिक्शा वाला जब पैसेंजर तक के उतारना भरना तो दूर की बात है, पैसेंजर उतारता है तो भी पीछे से डंडा उसके पीछे चलाया जाता है, वरना बोले फोटो निकाल दूंगा 1500 का फाइन आएगा, 500 का फाइन आएगा, ऐसा वॉलेंटियर लोग धमकी भी देते हैं और रिक्शा वालों के साथ में ज्यादती भी कर रहे हैं। फोटो खींचा हुआ मतलब वो लोग बोल रहे हैं धमकी देकर, हम फोटो खींच के भेज। हाँ, मसला ऐसा है कि जब रिक्शा वालों को इस तरीके से डरा रहे, ये वॉलेंटियर कुछ मार्केट वाले के इसमें हद में, वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग है तो ये काम करेंगे, मगर रिक्शा वाले जब उनसे पूछताछ के लिए तो डायरेक्ट है तो चार लोग आएंगे, ये चल चल आगे ले, यानी कि बात करने को भी मौका नहीं, ना पैसेंजर उतारने को मौका। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि रोड पे मार्केट भी लगी हुई है और रिक्शा वालों को रुकने भी नहीं दे रही है। नहीं, नहीं दे रही। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज डीसीबी साहब को और मुंब्रा पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मुंब्रा प्रभाग समिति को कल लेटर दिया। लेटर में क्या मेंशन किया आपने, क्या मांगी? कल तक के अगर हमको समाधान नहीं मिला, ट्रैफिक खुलकर नहीं मिली, तो हम जो 19 तारीख के सुबह में हम डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे, रिक्शा बंद करेंगे, मार्केट के अंदर जब चलने की जगह नहीं है, पैसेंजरों को तकलीफ, रिक्शा वालों को तकलीफ, तो इसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम लोग कहते हैं रिक्शा स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, आपकी ये जो है ये ऑटो रिक्शा ट्रैवल वेलफेयर सोसाइटी यूनियन है आपकी, कितने ऑटो रिक्शा यूनियन जो है आप लोग आपके साथ में है? सभी फिल वक्त सभी है सर, सभी यूनियन वाले यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने जो लेटर दिए उसके अंदर और भी है, इसमें अनवर कच्ची साहब की भी यूनियन का है, बाकी का तो अहमद है। अहमद भाई, जिस तरह से अनीस भाई बता रहे हैं कि पैसेंजर उतारने की कोशिश वहाँ करते हैं तो वहाँ से हटाया जा रहा है, फोटो खींच के भेज कर जो है फाइन देने की जो है दबाव की जा, धमकी दी जा रही है कि हम फोटो खींच के भेजेंगे आपको फाइन आ जाएगा, क्या वहाँ पर इस तरह का जो हो रहा है ऑटो रिक्शा वालों के साथ में, एक तरह से जाति ही कहेंगे इसको?
ये ज़्यादाती हर साल चलती है। पिछले साल भी जब मुमरा पुलिस चौकी में मीटिंग हुई थी उस टाइम भी हमने ये डिमांड किए थे कि हमको पीला पट्टा के अंदर आप धंधा करो, हमारे आपका भी बिजनेस है हमारा भी बिजनेस है, हम भी कारोबार करते हैं आप भी कारोबार करते, हम किसी के पेट पे नहीं लात मारना चाह रहे, लेकिन हम सेल्स टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ हमारा अधिकार है रोड पे, और आपके पास तो सात बारह भी नहीं है जगह का। लेकिन जिस वक्त मीटिंग होती है पुलिस, आप उस वक्त हमने उस टाइम विरोध किया था, उस टाइम पे डीसीपी ने भी बोला था, एसीपी ने भी बोला था कि हम आपको सुविधा करके देंगे, लेकिन ये होता है लॉलीपॉप। हमने एक साल इंतजार किया, पिछले साल कुछ नहीं हुआ, इस साल भी अभी डीसीपी साहब ने बात देखा जाए तो शहर के जो नेता है ना वो भी लापरवाह है, कुछ करते नहीं है ना। बात ये भी नेताओं की लापरवाही का इसमें मसला नहीं है, इसमें शासन प्रशासन दोनों, तुम्हारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और नगर पालिका, ये जवाबदारी जवाबदारी नेताओं की भी है ना। जब शासन नेता जाएंगे शासन प्रशासन, नेता तो निकम में है, नेता तो मुमरा के निकम में है, मुमरा का कोई नेता अरे जब बसाने वाले वो लोग हैं तो जाएंगे, अगर नेता अच्छे होते हैं तो वही लोग तो बसाए ना। अगर आज सारे नेता अगर काम वाले होते तो रिजर्व प्लॉट पे बिल्डिंगे नहीं बनती, हमारे रास्ते जो है टूटे फूटे नहीं रहते, नाले के ऊपर शौचालय टूटे हुए नहीं रहते। अगर इधर 10 साल से किसी एक पार्टी के जो नगर सेवक है जो दो दो बार जीत के आए, एक शौचालय नहीं बना सके, बोले स्मार्ट सिटी बन रही है मुमरा लेकिन स्मार्ट सिटी में एक शौचालय नहीं, तो ये नेताओं को तो इधर से हटा दो। हमने आज पुलिस से निवेदन किया है कि 18 तारीख की शाम तक हमको जाने आने का रास्ता चाहिए। अगर आप पुलिस की तरफ से भी वहाँ मंच लगाया गया है लेकिन कोई रहता नहीं, कई लोग ऊपर बैठ के अनाउंस करते रहते हैं, एक भी नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं होता। हर साल है ना, हर साल आश्वासन दिया जाता है रिक्शा वालों को कि भाई अपने समाधान होगा, पार्किंग नहीं लगेंगी, दुकानें नहीं लगेंगी, रेड पट्टे के अंदर रहेगा, लेकिन रमजान शुरू होते साथ में पूरी दुकान और रिक्शा वालों को बोला जाता है कि तुम गलत है, भाड़ा उतार रहे हैं, डबल पार्किंग में भाड़ा उतार रहे, भाड़ा बिठा रहे वाले रोड पे, रिक्शा वालों के ऊपर इल्जाम आता है रिक्शा वाले गलत है, हमारे को पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है, पूरा कब्जा कर लेते हैं और बाद में रिक्शा वाले के पूरा फोड़ देते हैं कि रिक्शा वाले गलत है। भाड़ा कहाँ उतारेगा, के सामने का जो रोड है, समय तो है। का रोड है 100 फीट का, 20 फीट का नहीं रहेगा, गाड़ी जाने की जगह नहीं है, नेता लोग का ध्यान नहीं है, रिक्शा वाले का कोई प्रसन्न नहीं बचा है, नेता लोग जाने में 10 जाने की जरूरत सबको है लेकिन रिक्शा वालों के साथ में कोई नहीं खड़ा रहता है, रिक्शा वाले मीटर काम कराने हर नेता आ जाता है। हकीकत तो ये है, नेता कह रहे हैं कि रोड चौड़ा हो गया, रोड चौड़ा होने का काम कर रहे हैं, बताइए आप का रोड है धंधे वालों के लिए और धंधा लग गया ना, रिक्शा वाला बढ़ता है लेकिन रिक्शा वालों की तरफ से बोलने के लिए कोई नेता नहीं आता है, रिक्शा वालों को जो तकलीफ है वो देखने कोई नेता नहीं आता है, पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती रिक्शा वाले बता दिए होते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भाई मसला कैसा है, देखो हमारे शानू पठान साहब अपोजिशन लीडर थे, क्या होटलों का धंधा बढ़ाने के लिए 50 वार्डन रोड पे लगा दिए, अब उधर होटल वालों नहीं नहीं जो है वो है, होटल वालों का धंधा बढ़ाने के लिए दारुल फ्ला से लेके अमृत नगर तक के एक भी गाड़ी को रिक्शा, वो खाली रोड है उधर पे भी रिक्शा लगा के गाड़ी भरने नहीं दे रहे इस्लामुद्दीन भाई, किधर से धंधा करेगा रिक्शा वाला, रिक्शा वाले का परिवार है कि नहीं है। ज्यादा ट्रैफिक हो रही है मुमरा से कौसा जाने वाले रोड पर, दाबुलगढ़ का ब्रिज सालों से खराब पड़ा है, उसको बैरिकेडिंग करके और दीवार को वो दोनों साइड के ट्रांसफार्मर निकाल के बड़ा कर दो ना, हमेशा का मसला हल हो सकता है, मगर वो नहीं करेंगे, ये रोड के ऊपर लॉलीपॉप दे रहे पब्लिक को, ड्राइवरों का नुकसान कर रहे, वो इतने बड़े बड़े मंच लगा दिए रोड के ऊपर, अभी शरीफा रोड के ऊपर इतने लोग बूथ लगाने के लिए जगह है, वही जगह के ऊपर 20 गाड़ी के लिए अगर इन लोग दे देते कि 20 गाड़ी लाइन से लगा के भरो तो ना इतनी ट्रैफिक होती ना ये सब मसले होते, ऊपर से गुंडागर्दी कर रहे, धमकी दे रहे, ले गाड़ी आगे ले ना तो 500-1500 रुपए का फाइन आ जाएगा, फाइन मारने के लिए बोले वहाँ पर कोई रहता है ट्रैफिक हो रहा है, कोई भी नहीं है 12 बजे के बाद में मुमरा पुलिस स्टेशन से टीम आती है और वही बेचारे लोग उनको सबको अकड़ रहे अंदर, बाकी ट्रैफिक का कोई कर्मचारी वहाँ नजर नहीं आता। मैं क्या बोलता हूँ, इतना रिक्शा वाले के साथ में जो मारी पिटा हुई है, जो इतने मारी पिटा वगैरह सब कुछ हुई है, आप बताओ रिक्शा वाले के ऊपर भी कुछ है कि नहीं, उसके बाल बच्चे है कि नहीं, काम धंधा करने के साथ क्या कहेंगे आप, जो मांग आपने की है एक छोटा सा डिटेल में बताइए क्या क्या मांग। मैं बस इतना बोलूंगा, अगर कल शाम तक
यानी कि इसका जो भी हमारा समाधान नहीं निकला, जो लेटर आपने दिए, जो लेटर वगैरह दिए है हम लोगों ने, ये सब दे के आए, अगर हमको समाधान नहीं मिला तो हम परसों से बाकायदा रिक्शा को स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि कम से कम जो पीला पट्टा, हरा पट्टा, लाल पट्टा, इनके कितने पट्टे हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, कल वो पट्टे हमको दिखना मांगता है। जैसे आप लोग परेशान हो ना, ऐसे हॉकर भी परेशान है, क्योंकि उनको हॉकर जोन नहीं मिला है, इस वजह से वो भी परेशान। पाँच साल गुजर चुके हैं, हॉकर जोन का जिम्मेदारी हमारे आमदार साहब की बनती है ना, के रिक्शा ड्राइवरों की बनती है। इस्लामुद्दीन भाई, आज तक के 2002 से मार्केट बसी है, 2002 से हम लोग रिक्शा लाइन में ही है, कभी हमने रिक्शा मार्केट वाले के अगेंस्ट जाके बात की है क्या? आज क्यों जा रहे? क्योंकि इसके अंदर अपना नेता लोग इन्वॉल्व हो रहे ना। 2009 के बाद से बैनर लगा के दादागिरी कर रहे हैं, जितने भी रिक्शा स्टैंड थे 2009 के बाद से ही गायब हुए पूरे मुमरा कब्जा में। हम लोग आज से नहीं मार्केट थी, जब जाके देख लो रिक्शा स्टैंड वहाँ था, रिक्शा स्टैंड बसा है, और हॉकर जोन यानी हॉकर वालों को अभी तक के जोन नहीं दिया, अभी उस हिसाब से हम लोग ये तो प्रशासन के अंदर का काम है, मसले को हल करो ना। ट्रैफिक के नेता वगैरह भी मीटिंग लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार अभी नेता है किधर? अरे यार एक मिनट रुको ना, भ्रष्टाचार होता है। शमीम खान साहब ने इतने बड़े बड़े सर्वे किए थे, इस्लामुद्दीन भाई आप लोग थे ना, थे ना, हजारों गाड़ी वो आवान करने के बाद हजारों गाड़ी पकड़े, वो हजारों गाड़ी पे केस हुआ क्या? आपको शमीम खान साहब बतावे उसका? नहीं नहीं, हमारा वो शमीम खान साहब बतावे कि हमको ना पार्टी किसी मार्केट वालों से झगड़ा है, हमारा झगड़ा प्रशासन से, टीएमसी से। टीएमसी अगर हमको रास्ता देती है तो हम चलेंगे, और नहीं अगर रास्ता देती है कल शाम तक, तो परसों हमारे रिक्शा वालों को असुविधा हुई तो वो हम परसों डिसाइड करेंगे कि चक्का जाम करना है ये क्या करना है, लेकिन हमारा स्ट्राइक पक्का है, और उसके बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा उसकी जवाबदारी थाने महानगर पालिका, मुमरा पुलिस चौकी और ट्रैफिक विभाग, ये तीनों के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाली। आपने सुना कि मुमरा शहर के जो ये तमाम ऑटो रिक्शा यूनियन के जो तमाम मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से मार्केट लगी हुई है रोड के किनारे ही, पहले उन्हें पीला पट्टा दिया गया था उसके अंदर लगाने के, लेकिन अब धीरे धीरे रमजान का महीना चल रहा है, ईद भी आ रही है, बड़ी संख्या में लोग खरीदी करने के लिए निकल रहे हैं और भीड़ हो रही है, ऐसा इन यूनियन के लोगों का कहना है कि वहाँ पर दादागिरी की जा रही है और पैसेंजर को उतारने नहीं दिया जा रहा है, ये सब तमाम शिकायतें हैं। और लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर कल तक इसका हल नहीं निकाला गया तो 19 तारीख के बाद जो है ये स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से दी जा रही है।